एक दिन मैं इंटरनेट पे पैरानॉर्मल पिक्चर्स के बारे में सर्च कर रहा था और सर्च करते करते मुझे एक ऐसी पिक्चर दिखी जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पिक्चर थी ये द कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी फोटो। अब इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर पाना काफी मुश्किल है और मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी इस पिक्चर को दिखाया था आप लोगों को। मैंने एक वीडियो बनाई थी अनएक्सप्लेन्ड पिक्चर्स की, उसमें मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई थी। बट इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पिक्चर का और मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि मुझे क्या लगता है इस पिक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर की कहानी की बात करें तो कहानी कुछ ऐसी है, एटलीस्ट इंटरनेट के बेसिस पे, कि 1950s के दौरान इस पिक्चर को लिया गया था और इस पिक्चर में जो लोग हमें दिख रहे हैं, जो चार लोग हमें दिख रहे हैं, वो कूपर फैमिली के लोग हैं। और जब उन्होंने टेक्सास में एक नया घर खरीदा तो उसी की सेलिब्रेशन के तौर पे उन्होंने इस पिक्चर को खींचा। और जब इस पिक्चर को फाइनली डेवलप किया गया तो इस पिक्चर में एक बहुत ही वियर्ड एपरिशन, जिसे हम कह सकते हैं एक फिगर, जो कि क्लियरली देखने पर हमें पता ही लग रहा है एक वियर्ड डेड बॉडी की तरह लग रहा है, जो कि छत से लटकी हुई है, वो अपीयर हुई। काफी लोगों के अलग अलग व्यूज है इस पिक्चर से रिलेटेड, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये डेड बॉडी सच में उस वक्त छत से गिरी जिस वक्त पिक्चर ली जा रही थी। बट ये ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लोग होंगे भी कि जब वो पिक्चर खिंचा रहे होंगे और तभी उनके सामने से अगर डेड बॉडी गिरेगी तो फिर भी वो स्माइल ही कर रहे होंगे। और इस पिक्चर में कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि डेड बॉडी को अगर हम देखें तो वो नीचे गिर रही है और फिर भी जो लोग हैं वो बहुत ही कामली और बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए पिक्चर खिंचा रहे हैं। इनफैक्ट बच्चों का ध्यान भी नहीं है उस डेड बॉडी की तरफ, जिसका यही मतलब है कि जिस वक्त इस पिक्चर को लिया गया था उस वक्त वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा होता। तो इतना तो पक्का है कि ये जो बॉडी है ये उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी और ये सिर्फ तभी पिक्चर में आई जब पिक्चर को डेवलप किया गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डबल एक्सपोजर की वजह से पिक्चर में आई? वेल, जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता है डबल एक्सपोजर की वजह से पिक्चर में आई। ये अगर डबल एक्सपोजर की वजह से पिक्चर पर आई होती तो ये इतने परफेक्टली इस पिक्चर के साथ फिट नहीं बैठ रही होती। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये इस पिक्चर का ही पार्ट है। मतलब डबल एक्सपोजर अगर हुआ होता तो थोड़ा ऑड हमें लगता, क्योंकि वो अनक्लियर टाइप और बहुत ही वियर टाइप पिक्चर आई होती। बट ये ओवरऑल इस पिक्चर को अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है और वो जो बॉडी है उसकी शेप भी काफ़ी वेल डिफाइंड है, जो छत से बॉडी लटक रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, नहीं, ये डबल एक्सपोजर की वजह से भी नहीं आई। साल 2015 में एक शख्स जिसका नाम था रॉबर्ट सी, वो इंटरनेट में सामने आया और उसने कहा कि वो उन बच्चों में से एक है जिन्हें हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। पर उसने ये भी बताया कि उसने इस तस्वीर को पहले कभी नहीं देखा था और उसका उसने रीजन भी बताया, और वो ये था कि उसकी जो माँ थी उसे आदत थी कि वो कुछ पिक्चर्स को फेंक देती थी और ये मोस्ट प्रोबेबली उन पिक्चर्स में से एक थी जिन्हें उनकी माँ ने फेंक दिया था। और तभी शायद रॉबर्ट सी ने इस पिक्चर को पहले कभी नहीं देखा। एक और बात जो रॉबर्ट सी ने बताई थी वो ये थी कि दरअसल उनका नाम कॉपर था, उनका सरनेम कॉपर था, तो वो कॉपर फैमिली के थे, ना कि कूपर फैमिली के। किसी ने कॉपर फैमिली का नाम बदल के कूपर फैमिली रख दिया। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो स्टोरी मैंने आपको अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताई उसका भी कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। मतलब कि वो स्टोरी सच है या नहीं हम नहीं कह सकते, वो इंटरनेट पे बनी थी शायद और इंटरनेट पे ही वो फेमस भी हुई। शायद वो स्टोरी मनगढ़ंत है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी गवाह नहीं है जिसने वाकई में ऐसा कहा हो कि हाँ ये स्टोरी सही है। इनफैक्ट हम कूपर फैमिली के लोगों को भी नहीं जानते। ये 2015 में जो रॉबर्ट सी नाम के शख्स सामने आए, बस इन्होंने ही कहा कि वो दरअसल कूपर फैमिली के थे और उनकी फैमिली का नाम कॉपर फैमिली था असली में। पर फिर भी ये सारी चीज़ें लिंक नहीं होती अच्छे से। और जहाँ तक मेरे व्यूज़ की बात है, मेरे पर्सनल व्यूज़ की बात है, तो मुझे लगता है कि कूपर फैमिली एग्जिस्ट
नहीं करती और वाकई में कॉपर फैमिली ही एग्जिस्ट करती है। और हुआ क्या होगा कि रॉबर्ट सी की जो माँ थी उन्होंने इस पिक्चर को फेंक दिया होगा और इस पिक्चर में शायद ये फॉलिंग बॉडी पहले नहीं होगी बट किसी दूसरे शख्स को ये पिक्चर मिल गई होगी जिसने इस पिक्चर को एडिट कर लिया होगा, क्योंकि ये एक विंटेज फोटोग्राफ है गाइज। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी पुरानी पिक्चर दिखेगी तो आपका भी मन होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा प्रैंक टाइप करें और उस पिक्चर को एडिट करें और फिर उन्हें कहे कि हाँ ये देखो ये एक पैरानॉर्मल फोटोग्राफ है। तो शायद मोस्ट प्रॉबली किसी ने ऐसा ही सोच के इस पिक्चर को एडिट कर लिया होगा और फिर इंटरनेट पे इसे अपलोड कर लिया होगा, जिसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पे फैली। ये मेरे व्यूज़ है गाइज, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और एक और बात इस पिक्चर की जो काफ़ी अजीब है वो ये है कि अगर आप नीचे वाले कॉर्नर पर देखोगे, राइट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर पर देखोगे, तो जहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे की टांग है, वहाँ पर ब्लैक कलर का काफ़ी बड़ा स्पॉट भी है। अब इस स्पॉट को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये स्पॉट क्या है, क्या फ़ोटो में कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी जिसे कैमरा ने कैद कर दिया, क्योंकि ये एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसमें हम किसी भी चीज़ को बता नहीं सकते उसका रंग क्या था और वो क्या चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता ये क्या है बट यहाँ पर बच्चे की टांग क्लियरली हमें नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जो लेडी है जिन्होंने उस बच्चे को पकड़ा है उनकी टांग भी हम नहीं देख सकते, उनके पैर भी हम नहीं देख सकते। तो फिर से ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर वो भी क्या है, क्या ये एक और घोस्टली एपरेशन, एक और घोस्टली फिगर है जो कि इस पिक्चर में आया है, नहीं कहा जा सकता। बट मोस्ट प्रॉबली मुझे जो लगता है वो ये है कि ये पिक्चर एडिटेड है। देखिए, ये पिक्चर मुझे फेक क्यों लग रही है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न तो ये है कि अगर इस पिक्चर को 1950s में लिया गया तो आखिर लोगों ने इस पिक्चर के बारे में 1960s 70s, 80s, 90s, 2000s में बात क्यों नहीं की और क्यों 2009 के बाद ही इस पिक्चर की कहानी इतनी तेजी से इंटरनेट पे फैली। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई भी शख्स आज तक सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि उसने इस पिक्चर को 2009 के पहले देखा। इसका ये मतलब है कि 2009 के पहले लोग इस पिक्चर के बारे में जानते भी नहीं थे। और वहीं से मेरा ये कंक्लूजन आता है कि ये एक नॉर्मल पिक्चर थी जिसे 2009 के आसपास एडिट करके किसी ने इंटरनेट पे अपलोड किया और उसी के साथ एक झूठी कहानी को जोड़कर इस पिक्चर को इंटरनेट पे फैलाया गया। और आज हम इस पिक्चर को जानते हैं कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी फोटो के नाम से। और ये काफ़ी डरावनी पिक्चर तो है ही, बट मेरे हिसाब से ये पिक्चर है फेक। अब आप में से काफ़ी लोग मुझसे अग्री करते होंगे और मुझसे डिसअग्री भी करते होंगे और इसलिए मैंने एक पोल क्रिएट किया है जिसका कार्ड अभी ऊपर वीडियो में आ गया होगा। आप वहां पर जाके वोट कर सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर, वेदर इट्स रियल और फेक। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ ऐसी और तस्वीरों के बारे में पता है तो आप उन तस्वीरों का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन तस्वीरों को भी एनालाइज करूँगा और अपने थाट्स और व्यूज़ उन तस्वीरों पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।